जाएंगे। हेलो गाइस, आज फिर हम आ चुके हैं हमारे एक नया व्लॉग लेके, जो कि होने वाला है सरप्राइज व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं हमारे घर मम्मी पापा को सरप्राइज देने के लिए। और मम्मी पापा को पता नहीं है कि हम लोग घर जा रहे हैं शिवांकुर, और मैं मतलब सडनली घर जाने का प्लान किया क्योंकि ये बिल्कुल अनप्लान था। और शिवांकुर आज मॉर्निंग को ही आगे पहुंचा, जो कि मैं ऑलरेडी 5 डेज से जोरहाट में ही मामा के घर में थी। तो आज हम लोग जा रहे हैं नाहरकटिया, और सडनली शिवांकुर का भी मीटिंग आ गया है वहाँ पे डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स में, और शायद से तिनसुकिया में भी। उसका मेरे साथ थे मेरी ननद, और उसके साथ थे मेरी बेटी ईवी। और जब भी वो ट्रैवलिंग करती है उसी के साथ सोना उसे पसंद है। और ये रहा शिवांकुर, ड्राइविंग कर रहा है, और ये है जाने का रास्ता। ऑन द वे पे है हम अभी। कौन सा एरिया से अभी बोल दो। हम जा रहे हैं अभी मोरियानी होके। मोरियानी होके कहाँ? और गाइस ये रहा मोरियानी का रिजर्व फॉरेस्ट, और जो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, पर ऐसे सुनने में आया है कि इस ये जो फॉरेस्ट के अंदर वेराइटीज ऑफ मंकीज रहते हैं। उसके बहुत सारे ब्रीड है मंकी के यहाँ, ऐसे पहले सुना था, पर एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी आते हैं, ये माइग्रेशनल बर्ड्स आते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये एलिफेंट कॉरिडोर भी है। हाँ, ये तो सही बात है, विंटर्स को एलिफेंट्स बहुत आते हैं रास्ते में। सेंचुरी होलोंग पारगिबोन, तो सुझा। तो गाइस चलिए हमारे साथ बने रहे, और आप लोग भी देखिए उन लोगों का रिएक्शन कैसे होने वाला है आज हम लोगों को देख के। हाँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सरप्राइज देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है सरप्राइज देना, और हमेशा मैं इन लोगों को भी सरप्राइज देती रहती हूँ, है ना। पर कभी कभार फ्लॉप भी हो जाती हूँ, नो डाउट होता ही है, सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी हो जाता है। तो आज देखती हूँ फ्लॉप होने वाली हूँ, और सरप्राइज कैसा होने वाला है दिखाते हैं आपको भी। देखो के मुंबई डांगर न, ये हम लोग के वो लेजेंडरी वॉरियर लसित बोरफुकन जी है। तो गाइस हमें अब और घर पहुंचने के लिए 3 आवर्स 50 मिनट्स का टाइम लगेगा, 144 किलोमीटर बाकी है। और स्टे ऑन धोधर आली क्यों है शिवांकुर नाम? ये रोड का एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों को आज शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये जो रोड है, ये हम लोगों के जो राजा है ना, आहुम राजा जो थे, स्वर्गदेव गोदाहिंग टू बी प्रिसाइज रिकॉल कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, जैसे आप लोग ने आज सुना होगा ना जो स्कीम निकलता है गवर्नमेंट का 100 डे जॉब ऐसा टाइप का, सो ऐसा उस टाइम पे वो लोग इतना हाईली इंटेलेक्चुअल थे जो हम लोग के राजा थे। सो वहाँ पे क्या था ना, वहाँ पे जैसे आपका रॉयल किंगशिप का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, मतलब डेली स्कीम में भी बहुत सारे लोग काम करते थे। सो वहाँ पे एक सेगमेंट जो हम लोगों के जो जिसको बोलते हैं धूत, आसामीज में बोलते हैं धूत, धूत आर बेसिकली कंसिडर्ड एज लेजी पीपल। तो वो लोग क्या करते थे, जो द रॉयल हाइनेस का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो रॉयलशिप एरिया में जो काम करना है उनको, बच्चे जो लेजी रहते थे उसमें नहीं जाने के लिए, उनको देके ये रास्ता बनाया गया। सुझाता थोड़ा रास्ता दिखाना, ये NSC जो हम लोगों का है, वर्ल्ड बैंक ने भी बीच में थोड़ा फंडिंग वगैरह दिया था इसको इम्प्रूव करने के लिए। सो ये जो रास्ता है, ये नॉर्मल आप जो आसाम में जो आप गुवाहाटी से अगर आप डिब्रूगढ़ तक आएंगे वो रास्ता नहीं है, दिस इज द इनसाइड रोड। ये स्टार्ट होता है आई थिंक कोमर नगर जयपुर जहाँ पे हम लोग का मेन जो नाम फाके है, जहाँ पे आहुम आके जहाँ पे राजा आए थे, तो वहां से चालू होता है एंड इट एंड्स एट गुलाघाट NRL का, वहां तक है ये रास्ता। तो ये रास्ता वो धूट जितना भी थे, जितना लेजी पीपल थे, उनको लेके जाके उनको पे करके ये रास्ता बनाया गया था। सो दिस इज द धुधर आली, आवर हिस्टोरिकल धुधर आली। रास्ता में भी कहानी है, मतलब ना रास्ता में भी कहानी है। यहाँ पे हम लोगों के सालोम सुकाफा का भी एक बहुत बड़ा स्टेचू है, बहुत बड़ा मीन्स आई मीन इट्स ए वेरी टॉल स्टेचू। मैं एग्जैक्टली कितना फिट का है मैं पता नहीं है, बट विल शो यू, आप ये हम लोग जाने के टाइम पे देखेंगे। और ये रास्ता आपका इनफैक्ट जो शिवसागर आप लोगों ने सुना है ना,
यूनेस्को सर्टिफाइड वर्ल्ड हेरिटेज जो हम लोगों के अहोम राजा का जो ये सब है रामघर कारंगघर ये सब तो आप देखेंगे, ये शिवसागर का एरिया उस साइड से ये सारा जगह कनेक्ट होता है, ये सुनारी वगैरह ये जो है ये रास्ता सारा एक ही रोड, मेन रोड जो आप लोग आते हैं जोरहाट होके उस साइड वाला नहीं जो हाईवे है ये अंदर वाला रोड है, और ये राजा महाराजा के 1800s में बनाया था, स्पेसिफिक 1860 कितना 27 में उतना आइडिया नहीं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट 1800s में ये रास्ता बनाया गया था। उसके बाद तो आपके वर्ल्ड बैंक ने भी बीच में थोड़ा फंडिंग वगैरह दिया था इसको डेवलप करने के लिए, आई डोंट नो कितना तक आगे बढ़ा है काम, बट आफ्टर दैट दिस पिचिंग रास्ता अभी चल रहा है, एज ऑफ नाउ आप देख रहे हैं अभी तो पिच रास्ता है, हम लोग इस रास्ते से अभी जा रहे हैं। अभी बहुत रास्ता पहले ये कच्चा रास्ता हुआ करता था, तो आगे दिखाओ कच्चा रास्ता से देखिए जैसे डेवलपमेंट हो रहा है अभी गवर्नमेंट, देखिए अभी रास्ता भी बनाया जा रहा है यहाँ पे, तो अपेरेंटली अभी धूप तो नहीं है बट आई वंडर बहुत दिन से ये रास्ता देख रहा हूँ तो कॉन्ट्रेक्टर लोग धूप है शायद जिसके चलते इतना टाइम लग रहा है, बट डेवलप तो गवर्नमेंट ने तो खर्चा करने के लिए यहाँ पे स्टेप लिया है तो रास्ता वगैरह जितना भी है वो ब्रॉड किया जा रहा है, बट दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेन स्ट्रीम रोड जो कनेक्ट करता था जयपुर से लेके गोलाघाट तक। तो गाइस हम आके घर में पहुंच चुके हैं और घर में फिलहाल कोई नहीं है अभी, आई गेस मम्मी लोग आके पहुंच चुके हैं और ये ईवी को देखिए, ईवी को चुप मतलब चुपचाप रहने को बोला है तो वो कैसे चुपचाप हो रहे और किसे छुप रही है वो देखिए, इवन उसे भी पता है कि हम लोग सरप्राइज देने वाले हैं। ये बड़ो नहीं क्या